राजधानी देहरादून के नगर निगम में करीब 500 डेयरियाँ पंजीकृत है। अगर आप भी पशुपालन कर डेयरी संचालित करते हैं तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। आप पर नगर निगम भारी जुर्माना लगा सकता है। दरअसल नगर निगम डेयरी संचालकों के मानकों के तहत राजधानी के डेयरी संचालकों पर नज़र बनाए हुए है। बिना पंजीकरण के संचालित हो रही डेयरियों पर 25,000 तो नाली में गोबर बहाने या गोबर से गंदगी फैलाने डेयरी संचालकों के खिलाफ 50,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है। जो डेयरी का जो संचालन जो शहर के बीचों बीच होता है उसके लिए जो है वेटनरी विभाग और जो है इन सब लोगों से जो है लाइसेंस प्राप्त होने चाहिए। प्रत्येक जो उनके यहाँ दुधारू पशु है उसका रजिस्ट्रीकरण होता है, उसमें टैग लगाए जाते हैं। परंतु ऐसा प्राय देखने में आ रहा है कि अनाधिकृत रूप से डेयरियाँ संचालित हो रही हैं और जो दुधारू पशु हैं उनका जो गोबर है वो प्राय जो है नालियों में खुलेआम बहाया जा रहा है। मैनेजमेंट रूल्स और जो अधिनियम है उसका जो है खुला उल्लंघन है, जिस पर हमारी निगम की टीम जो है काफ़ी सख्त रुख अपनाते हुए लगातार उनका चालान कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक ही हम लोगों ने 3 डेयरियों पर जो है 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और साथ ही साथ अभी 2 दिन पहले भी हम लोगों ने 2 डेयरियों का अतिरिक्त और चालान किया जिसमें 50,000 की अलग से शास्ति लगाई है। तो कुल मिला के अभी पिछले हफ्ते में ही हम लोगों ने 5 डेयरियों पे लगभग 2.5 लाख रुपये तक के चालान किए हैं। जहाँ चाहे वहाँ पर राह होती है, ट्रॉलियों के माध्यम से गोबर को जो है ट्रांसपोर्ट कर जो है उचित स्थान पर चिन्हित स्थानों पर जो है आप उसको निष्पादित करके उसका जो है खाद बना के जो है दोबारा इस्तेमाल में कर सकते हैं। आज के माहौल को देखते हुए, क्योंकि जैसे पहला उनका फैसला है कि जो डेयरी संचालक हैं उनके ऊपर 25,000 रुपये का फाइन लगेगा अगर वो अपने गाय का पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो रोड पर बेचारी गाय उन संचालकों ने जो छोड़ी होती हैं गाय रोड पर, वो या तो उनका एक्सीडेंट में बेहद ही उनको दर्दनाक मौत मिलती है या घायल हो जाती हैं वो, या फिर तस्करी करने वाले ही उठाकर उन्हें ले जाएं या कोई और समस्या उनके सामने आ जाए, तो उस मोमेंट पर उनके मालिक का पता लगाना तो बेहद मुश्किल है क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो नगर निगम वालों के पास उनके पूरी डिटेल्स होंगी कि वो किसके यहाँ पलती हैं, तो उस वजह से उनकी देखभाल करने में एक तरीके से हम सक्षम हो पाएंगे। डेयरी संचालक या जो नॉर्मल भी अगर आप देखें तो जो लोग साफ सफाई करने के बाद गोबर नाली में बहा देते हैं जिसकी वजह से नालियां चोक हो जाती हैं और फिर जल भराव हो जाता है जिसकी वजह से मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, बहुत सारी एक्सीडेंट्स वगैरह ये सब, तो उसके ऊपर भी जो इनका फैसला है कि 50,000 रुपये फाइन लगेगा वो भी बेहद ज़रूरी है उनको एक सही समझ लाने के लिए, संचालकों को डेयरी संचालकों को एक सही समझ लाने के लिए। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।